अभी बस मैंने काम करना स्टार्ट किया है बहुत अपने आप को समझाने के बाद, क्योंकि बहुत आलस आ रहा था, कोई काम घर का नहीं हुआ है। मैं भी सो गई थी, अभी भी सो गई थी, अभी उठी हूँ। तो मन भी कोई नहीं कर रहा था काम करने का, पर बहुत समझाया है फिर काम करने के लिए फाइनली उठ गई हूँ काम करने के लिए। आप लोगों को घर की हालत दिखाती हूँ। आरोही हेलो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सतानी हो रही है? हाँ आरु कैसे डांस करता है? बेबी शक डू 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 कैसे करता है? बेबी शार्क डूडू हम नहीं लगा के देंगे, बेबी शार्क डूडू मम्मा वीडियो बना रही है ना, मम्मा वीडियो बना रही है ना। मेरा टकला, मेरा टकला, मेरा टकला। चलो फिर काम करते हैं स्टार्ट। और रोज वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ यार, मेरा मन ही नहीं करता पता बनाने का। सोचती हूँ कि बनाऊंगी लेकिन नहीं बनाती हूँ। फिर जिस दिन जोश आ जाता है उस दिन कैमरा उठा लेती हूँ कि नहीं आज तो वीडियो बनाऊंगी, पर मन नहीं करता रोज़ रोज़ बनाने का, बहुत काम पड़ जाता है, घर है, बच्चा है, फिर भी। हाँ नहीं बाहर नहीं जाएंगे, ना बाहर नहीं जाएंगे, बाहर धूप है। नहीं ये नहीं, गलत लाइट जला रही थी। हाँ ये ठीक है, तो मैं एक बार कमरे की हालत दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये है मेरे कमरे की हालात, और सिर्फ इसी कमरे के हालात नहीं, मैं पूरे कमरे के हालात आपको दिखाती हूँ। जिस दिन काम ना करो उस दिन क्या हाल होता है घर का। तो ये जिस घर में बच्चे होंगे वो समझ सकेंगे कि यही हाल होता है बच्चों वाले घर का। तो काम हो गया होता तो समेट गया होता का सब कुछ, पर कोई काम नहीं हुआ। ये बिस्तरा क्या हो गया, क्या हुआ, आ क्या क्या लग गया, लग गया नहीं, मच्छर ने काटा क्या? काटा ये देखो है, आज थर्सडे है, सारे कपड़े कपड़े, मतलब थर्सडे को कपड़े नहीं धुलती हूँ मैं तो, सारे घर का हाल। और मन भी नहीं कर रहा, और टाइम भी देखो 5:30 बज रहा है अराउंड, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इधर तो ठीक है, खैर ठीक भी क्या, ये देखो कपड़े पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। तो देखो पूरे घर में हो गए हैं कपड़े कपड़े। आरुही का मम्मा मम्मा स्टार्ट है। हाँ बेटा क्या काटी, क्या काटी, क्या टूटा है, क्या टूटा उन्होंने। Thank you.
यहाँ पे मैं अपनी ट्रेडमिल हटा रही हूँ क्योंकि ये जिस दिन से आई उस दिन से मेरे पैर में तकलीफ है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको फोल्ड करके अंदर रख दूँगी। तो ऑलमोस्ट काम सारे मेरे डन हो गए हैं और बहुत जल्दी मैंने काम अपने कर लिए हैं। टाइम अगर हम देखें तो अराउंड 6 PM हो चुका है, 6:10 हो चुका है। ये कमरा पूरा साफ़ है, आधे घंटे में मैंने इतना काम कर लिया, ये कमरा मेरा पूरा साफ़ हो गया है और ये भी कमरा मेरा पूरा साफ़ हो गया है। ये देखो है, मैं पूरा क्लीन कर दिया है बहुत जल्दी से। यहाँ पे मेरी मशीन रखी हुई थी, वो मशीन आप लोग सोच रहे हो मैंने क्यों हटा दी यहाँ से। तो यार जिस दिन से वो आई है ना, उस दिन से मेरे पैर में हो गई तकलीफ़, मेरा लेफ्ट पैर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, पैर क्या पंजा, बस मेरा ये बहुत गंदा हो रखा है। ये देखो है, ये मशीन मैंने यहाँ ला कर रख दी है, सारे कपड़े ऐवें ही फैले पड़े हैं, ये पूरा कमरा मेरा बहुत गंदा हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कल लगूँगी, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो मैं रात में करूँगी, अभी मतलब खाना बनाते बनाते कर लूँगी, क्योंकि 6:15 हो रहा है और आरोही को जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर, तो मैं इसको लेकर के जाऊँगी बाहर, वरना हो जाएगा अंधेरा। और आजकल ना तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, बहुत ख़राब रहने लगी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। पति देव सोचते होंगे कि बीवी सारा दिन घर के काम करती है, और उनको नहीं पता कि बीवी सारा दिन घर पे सोती है, आराम करती है। बेचारे पति को धोखा देना अच्छा नहीं लगता, उनका विश्वास है कि हाँ बीवी ये मेरी घर घर संभाल रही होगी। बस अभी 5:30 मैंने देखा ना टाइम हो गया है, और 6 बजे वो ऑफिस से निकलते हैं तो 5:45 बजे तक घर आ जाते हैं, तो मैंने सोचा फटाफट क्यों ना काम निपटा दूँ, उनके आने से पहले मैंने काम निपटाएं कि वो आएँ तो थोड़ा घर साफ हो, अदरवाइज़ आपने घर देखा मेरा कैसा है। वही कभी कभी सोचती हूँ कि पति बेचारे कितना विश्वास करते हैं बीवियों पे, और बीवियाँ आरामखोरी करती लेकिन मैं आरामखोरी नहीं कर रही है, ऐसे समय मैं अपनी तबीयत से परेशान हूँ, वरना मैं कभी भी आलस नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता था, बस इस समय मैं अपनी तबीयत से परेशान हो रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। दो महीने समथिंग होने वाले हैं, 2 महीने से मेरी तबीयत ऐसे ही रहती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, और पिछला ब्लॉग जो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा जिस दिन मैं गणेश जी लाई हूँ, उसके नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी तेज़ फीवर हो गया था, कोल्ड कफ हो गया था, मतलब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह भी दिया था कि कोरोना का टेस्ट कराऊँ। तो एक तो वो तबीयत ख़राब, ठीक, ऊपर से वो कोरोना का डर भय आप कह सकते हो, तो वो ना मतलब मुझे बिल्कुल बिल्कुल उन दोनों मतलब वो चिंता ने और वो परेशानी ने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया था, बिल्कुल परेशान कर दिया था। मुश्किलों मैंने अपने आप को ठीक किया है, मैंने अपने आप को ठीक इसलिए मैं अपने आप को बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने डॉक्टर से दवाई सिर्फ 2 दिन की ली है, और वो 2 दिन की दवाई के बाद तो मेरी और तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को सूंघना की महक स्मेल नहीं आ रही थी, और मेरे को स्वाद कोई नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है मुझे स्वाद, तो अभी भी कोई नहीं आ रहा है, बस मुँह में एक कड़वापन सा स्वाद है, स्मेल मेरी थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो चुकी है, स्मेल मुझे आ रही है। तो मैंने अपने आप को काढ़ा पी पी के ठीक किया है, मैं काढ़ा पी पी के मैंने अपने आप को संभाला है, और मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है। अभी मैं बॉडी से तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, फीवर नहीं है, और मेरी बॉडी में थोड़ी एक्टिविटी भी हो चुकी है, बट बस मैं पैर से परेशान हूँ इसीलिए मैं कह रही कि पति बेचारे विश्वास करते हैं, और बीबियाँ, खैर बीबियाँ ही घर संभालती हैं, मैं ही घर संभालती हूँ, वो तो नहीं संभालता, तो सुबह 8 बजे घर छोड़ देते हैं, 7 बजे आते हैं, मैं ही संभालती हूँ, 7 दिन बच्चा, घर भले ही मेरा थोड़ा गंदा रह जाए, बच्चे का खाना पीना हर चीज़ का ध्यान मैं प्रॉपर रखती हूँ। और बहुत ज़्यादा देर, 3:45 हो गए, बहुत ज़्यादा देर मैंने आप लोगों को बोर कर दिया अपनी बातों से, चलो फिर बाहर चलते हैं थोड़ी देर, आज बाहर का काम थोड़ा सा देखती हूँ। सुबह भी झाड़ू नहीं लगी थी और गमलों में पानी डला था, अभी थोड़ा उजाला है, वैसे मैं आपको जब भी बाहर लेके गई हूँ तो अंधेरा हो चुका होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा उजाला है, तो क्यों ना मैं आज आप लोग को बाहर ले चलती हूँ, आरुही भी थोड़ा सा खेल लेगी और मैं थोड़ी सी सफाइयाँ कर लूँगी। स्लीपर कहाँ है? नोने स्लीपर कहाँ है? कहाँ है स्लीपर? ये रखिए, ये रखी स्लीपर, पहनो फटाफट, बाहर जाने की इतनी खुशी हो जाती है कि बस। स्लीपर पहनना तो आ गया, सीधी स्लीपर अपने आप से पहन लेती है, पता है सीधी है, चले। We'll be right back.
चिकन। हमने तो कोल्ड ड्रिंक बोली थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए। अच्छा सुनो, पिज्जा लिया, पिज्जा। थैंक यू बेटा। राइट के बाल रखा ही है। वीडियो बना रहे हैं। अब क्या लाना है? अब तुम लाओ चौमिन। आरु चौमिन ले आओ, चौमिन। हाँ जाओ चौमिन ले आओ। तो किचन में लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोबाइल ले गई थी किचन में, मैंने सोचा क्यों नहीं काम करते करते ब्लॉग भी बना लूं, आप लोग से बात भी कर लूं और मेरा काम भी हो जाए। और किचन में मेरी लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी अच्छे क्लिप नहीं आए। छोटे मोटे जो मैंने बनाए हैं वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन इसलिए मैं रूम में आ गई हूँ, खाना डिसाइड हो गया। तरोई और आलू की सब्ज़ी मैंने बना के रखी थी, रोटी मैं बनाने जा रही हूँ। और ये गए हैं ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि अंडे रखे हुए हैं तो हम सोच रहे हैं ब्रेड और अंडा बना लें, क्योंकि मेरा ब्रेड और अंडा ही खाने का आज मन था, बहुत ज़्यादा मन था। मॉर्निंग में भी मन था तो मुझे ब्रेड नहीं मिली, तो फिर मैंने ऑमलेट और पराठा खा लिया था। पर अभी मेरा अंडा और ब्रेड ही खाने का मन है, तो बनाएंगे साथ में कॉफ़ी, अंडा और ब्रेड। ऑमलेट, ब्रेड, रोटी, सब्जी, आरू का अंडा, मतलब आरू ही का एग, आरू का अंडा नहीं, आरू ही का एग, और हमारी कॉफी। चलो फटाफट से खाते हैं यम्मी यम्मी खाना। करते करते बज गए 10:30। अब बहुत नींद आ रही है, अब सोते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हो आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।